नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे इस बीच आ रही है बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है शराब तस्करी मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, आरोपी भूपेंद्र को सीने में दर्द की शिकायत। जी हां, बता दें आपको, आरोपी भूपेंद्र को सीने में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। तो खरखौदा सामान्य अस्पताल रोहतक से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। रोहतक पीजीआई में पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। संजय कुमार संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है? रोहतक पीजीआई रेफर जो है कर दिया गया है, लेकिन अभी क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए, जिस तरह से प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से जो है वो एक जो है भूपेंद्र सिंह दैया जो है पानीपत से उसको गिरफ्तार किया है। उस मामले को लेकर जो है उससे पूछताछ जारी की थी और उसके बाद उसके सीने में जो है दर्द हुआ और उसको जो है सिविल हॉस्पिटल खरखौदा लाया गया। उसके बाद वहाँ सिविल हॉस्पिटल खरखौदा के डॉक्टरों ने उसको पीजीआई रेफर कर दिया गया था। रेफर करने के बाद जो है उसका चेकअप किया गया, वहां पर उसका जो है बीपी की शिकायत उसको मिली और उसके बावजूद जो है उसको वहां पर दवाई उसका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो गया। हालांकि डॉक्टर का यही कहना है कि अभी हालत उसकी ठीक है और किसी प्रकार की कोई चिंता घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ही उसकी माता को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था पूछताछ के दौरान, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में एक ये बड़ा मामला जो है वो सामने आया था, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की बिक्री हो रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा जो है मामला उठा था। और प्रदेश में एक प्रदेश के गृह मंत्री ने एक जो है कमेटी गठित की गई, उसके दौरान जो है इस आरोपी जो है भूपेंद्र सिंह इसको गिरफ्तार किया गया था, इसको पूछताछ की गई इसके दौरान और इस दौरान जो है इसके सीने में दर्द हुआ था। तो आप रोहतक पीजीआई में देर रात जो है इसके सीने में दर्द जैसे ही पता लगा, इसके जो समर्थक थे, इसके जो परिजन थे, वो जो है रोहतक पीजीआई में पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि इसको जो है हरासमेंट दी जा रही है, इस कारण जो है इसके इनकी जो है तबीयत वो खराब हुई है। लेकिन लगातार अगर संजय देखा जाए, शराब तस्करी इस मामले में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है, क्योंकि अभी तो ये मामला ठंडा हुआ भी नहीं था कि एक और मामला आया है प्रदेश में कि खरखौदा साइड में जो शराब है वो जमीन के नीचे दबी हुई मिली है, जिसके तार इससे जोड़े जा रहे हैं। अब क्या लगता है पूरे मामले में जिस तरीके से अभी काम आगे चल रहा है, जांच आगे चल रही है, कई और नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं, चाहे हो सकता है पूछताछ के दौरान भी ये नाम सामने आए इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए अंजलि, लगातार जो है प्रदेश से गृह मंत्री अनिल विज इसी मामले को पूरा जोर शोर से उठाए हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ऐसे में जो है जब उन्होंने कमेटी गठित की तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने ही जो अपने अधिकारी को लगाया और कहा कि ये निष्पक्ष जांच होगी, ऐसे में किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा नीचे से ऊपर तक, चाहे वो संतरी हो या मंत्री हो या कर्मचारी हो। तो ऐसे में जो है भूपेंद्र सिंह दैया को जो है गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो है उससे पूछताछ की गई थी, तो उससे जाहिर सी बात है कि उससे जो मिले जुले जो तार हैं वो खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस, और इसीलिए जो कई लोगों को जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अभी मैंने जैसे बताया कि उसकी माँ को भी हिरासत में लिया गया, उससे भी पूछताछ जारी है। और आपने कहा कि जिस तरह से जो शराब दबी हुई है तो हो सकता है कि इससे भी कोई ना कोई उसके लिंक हो सकते हैं, तो कोई पूछताछ पुलिस की जारी है और जो है पुलिस ही इस मामले में पूरा खुलासा कर पाएगी, लेकिन अभी पुलिस बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि रोहतक के जो रोहतक रेंज के जो आईजी हैं संदीप किरवार वो भी इस जो है इसकी कमेटी जो है देख रेख में है, और उसने जो है आईपीएस से रोहतक के राहुल शर्मा उसको भी इस कमेटी का मेंबर बनाया हुआ है। तो पूरी तरह से जो है इसकी जांच चल रही है और किसी प्रकार की कोताही न होगी, ऐसे में जो है गृह मंत्री बार बार यही ये कह रहे हैं कि इसकी जो है जांच निष्पक्ष होगी और हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। अच्छा संजय, क्योंकि रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया है भूपेंद्र सिंह दैया को, जो कि आरोपी है शराब तस्करी मामले में, कुल मिलाकर अभी तबीयत कैसी बताई जा रही है? डॉक्टर्स जो टीम है, कोई ऐसी जानकारी है आपके पास कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? अभी डॉक्टरों की जांच पे ऐसा क्या कुछ पता चल पा रहा है? ताजा यथास्थिति क्या बनी हुई है वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए अंजलि, जब इसको लाया गया खरखौदा सिविल हॉस्पिटल से तो उसके बाद उसका जो है बीपी वो बढ़ा हुआ था, ये कहा जा रहा है कि शुगर का पेशेंट है, तो ऐसे में जो है डॉक्टरों ने उनका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद जो है ये कहा जा रहा था कि उसके सीने में दर्द है। उनके जो परिजन थे, जो बाहर जो उनके परिजन खड़े हुए थे, उनके समर्थक जो खड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके सीने में भी दर्द था, लेकिन शुगर का मरीज है होने के कारण इनका जो है बीपी भी बढ़ गया था। तो ऐसे में जो है
डॉक्टर ट्रीटमेंट करे, तो हमने भी डॉक्टरों से बात की, तो उन्होंने डॉक्टरों ने भी साफ तौर पर बताया कि जो है इनका बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है। चलिए, बीपी लोगों की शिकायत आई है, इस वजह से शायद पीजीआई रोहतक में रेफर करवाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो शराब तस्करी मामले में अहम मोड़ यहाँ पर आया है, लेकिन पूछताछ के बाद ही पूरी सच्चाई जो है सबके सामने होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही।